अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूके में जो है पिछले काफ़ी दिनों से हलचल चल रही थी कि एमनेस्टी आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। कोई साल एक से जो है वो खबरें गर्दिश कर रही थी। यूट्यूबर जो भाई थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अपडेट दे दी हुई थी कि एमनेस्टी आएगी, एमनेस्टी आएगी। और जो बोरिस जॉनसन है उसने ख़ुद भी कहा था वज़ीर आज़म बनने से पहले कि मैं जो इधर इलीगल लोग हैं उनके लिए जो है वो रिलीफ दूंगा, एमनेस्टी लेके आऊंगा, जो लोग 10 साल से या 15 साल से इधर रह रहे हैं। लेकिन लास्ट वीक जो है ये एक बहुत ही बुरी खबर आई है जो जो लोग इधर इलीगल रह रहे हैं उनके लिए, कि जो बोरिस जॉनसन और उसके जो ज़राए हैं होम ऑफिस के, उनकी तरफ से ये खबर दी गई है कि कोई एमनेस्टी वगैरह नहीं आएगी, बल्कि हम जो है पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन लेके आएंगे, जिसके तहत जो स्किल वर्कर हैं जो आना चाहें नए लोग उनको ही वो ही इधर रह सकेंगे, जो पुराने लोग हैं उनके लिए सिस्टम में कोई जगह नहीं है, वो जो है इलीगल हैं उनको जो है डिपोर्ट किया जाए। ये अभी खबरें जो हैं वो आ रही हैं हुकूमत की तरफ से। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि 10-12 साल से या 14 साल से इधर हैं उनको जो है रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन कोई ऐसी खबर नहीं है। तो आप लोग जो है अपने वकील, अगर आपको कोई झूठ कहता है कि एमनेस्टी आएगी ये वो आएगा, तो ऐसा कुछ चक्कर नहीं है अभी। तो जो इस अखबार ने ये खबर शाया की है, इंडिपेंडेंट ने, उसका लिंक भी मैं नीचे डाल रहा हूँ, तो आप लोग ख़ुद भी रीड कर सकते हैं कि उसने क्या कहा है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।